अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। इंग्लिश का जो एक पार्ट है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कि आपने एरर चूज़ करना होता है। मैं ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ला के रख रहा हूँ, ये आप इसका जो क्वालिटी है, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो आप इसको हार्ड ही समझ लें, मीडियम टू हार्ड है ये, ईजी क्वेश्चन नहीं है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो यूं समझें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है। पहला क्वेश्चन, ऑल एम्प्लॉयज़ विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आर एंटाइटल्ड टू फुल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आर रिटायरमेंट प्लान एंड स्टॉक ऑप्शंस, नो एरर। अब अगर हम इस सेंटेंस की तरफ देखें, ऑप्शन जो ए है एम्प्लॉयज, इसमें भी कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। ये यानी जो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, इसमें कोई जो शक है या गलती है उसकी गुंजाइश नहीं है। 2 ईयर्स भी ये ठीक है, आर एंटाइटल्ड टू ये बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इसकी ठीक है, बेनिफिट्स ठीक है, और इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बिकॉज देयर अफ्रेड ऑफ एयर ट्रैवल, माई मदर एंड माई आंट फेलिशिया हैव डिसाइडेड टू टेक द ट्रेन फ्राम शिकागो टू न्यू ऑर्लियंस, नो एरर। अब मैंने जो इसमें जो गलती है वो बिल्कुल साफ साफ यानी पढ़ने के दौरान ही आ रही है। मैंने कहा बिकॉज दे आर अफ्रेड, तो यहाँ पे उसने देयर लिख दिए, हालांकि होना दे आर चाहिए, यानी दे आर अफ्रेड ऑफ, देयर अफ्रेड ऑफ नहीं। ये जो ऑप्शन ए है ये एरर है। थर्ड वाला देखिए, टू फाइंड द पैरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन एट द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स, नो एरर। यहाँ पे भी जो इस क्वेश्चन में है, पहले ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, दूसरा जो ऑप्शन बी है वो भी बिल्कुल ठीक है, सी जो है वो भी ठीक है, अब जो डी है इट्स साइड्स, अब जो यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है इसका मतलब है इट इज़ साइड्स नहीं है, यहाँ पे हमने इट्स लिखना है, यानी आई टी एस सिंपल होगा, और जो ऑप्शन डी है ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आफ्टर द डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर बोथ रिजाइंड, We all wondered who would be appointed to fill their positions, no error। अब डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ये बिल्कुल ठीक है, बोथ रिजाइंड ठीक है, वी और ये जो इसका कम्बिनेशन है ये ठीक है, who would ये भी ठीक है, और to fill ये भी ठीक है, तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं ये ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, नो एरर है। 17 देख लें, लास्ट स्प्रिंग माई कज़न एंड आई पैक्ड द टेंट, द स्लीपिंग बैग्स एंड अ कूलर फिल्ड विद फूड एंड हेडेड वेस्ट, नो एरर। अब इस क्वेश्चन को देख लें, माई कज़न एंड आई ये बिल्कुल जो कम्बिनेशन है ये ठीक है, अब जो बी है द टेंट, द स्लीपिंग बैग्स एंड कूलर, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, कॉमा स्पेस और एंड ये जो कम्बिनेशन है ग्रामर का ये बिल्कुल ठीक है, और वेस्ट तो वैसे ही एक इसमें कोई चांस नहीं है गलती का, तो जो ऑप्शन ई है नो एरर वो इसमें ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो इट यूजुअली हैज अ सॉफ्ट बॉडी एंड मस्कुलर फीट, सम मॉलिस्क्स हैव आल्सो हैव हार्ड शेल्स, नो एरर। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है कि इट, और बाकी पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इट में जो है वो गलती है,
बॉडी एंड और इसमें कोई नहीं है, फिट ठीक है और हैव भी उसमें ठीक है, प्लूरल है तो लग गया है। जो इट है असल में इस सेंटेंस में जो एरर ऑफ अरेंजमेंट आ रहा है, यानी आप यूं कह लें कि जो सिंगुलर प्रोनाउन है ये आगे जो प्लूरल प्रोनाउन है जिसके लिए हमने हैव यूज़ किया है मोलस्क्स, उसको मैच नहीं कर रहा। यानी ये इट जो है ये रिप्लेस होना चाहिए, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्लूरल प्रोनाउन से जैसे दे है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी इसमें जो एरर है वो ऑप्शन ए में है। फॉर ऑल ऑफ दोज हु हैव वांट टू गिव अप फैटी फूड्स वीडियो गेम्स एंड शॉपिंग फॉर द न्यू ईयर, हियर इज एन इंसेंटिव टू कीप हिम ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ, नो एरर। अब ये जो क्वेश्चन है मैं स्ट्रेट अवे इसमें गलती पे आना चाहता हूँ, तो ऑप्शन सी में जो हिम है उसमें गलती है। इसमें भी एरर जो है वो अरेंजमेंट एग्रीमेंट पे है, यानी जो सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पे हिम यूज़ किया गया है ये उसका जो जिसके लिए यूज़ किया गया है यानी पीपल, वो प्लूरल है और उसको मैच नहीं करता। तो जो हिम है ये रिप्लेस होना चाहिए किससे, आप खुद सोचें, देम से, तो इसका वो प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवन एज अ मेन स्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री पुशेस फर्दर इन टू द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ सॉलिड स्टेट सर्किटरी, देर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन ओल्ड स्टाइल एम्पलीफायर्स एंड स्पीकर्स, नो एरर। अब इसमें अगर हम जो सेंटेंस को देखें, ऐसे सेंटेंस वैसे जो नो एरर वाले होते हैं वो भी हमें कंफ्यूज ये कर रहे होते हैं कि शायद कोई गलती हो, तो इसी वजह से इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपको इसमें कॉन्फिडेंस देती है कि अब देखिए इवन एज अ मेन स्ट्रीम म्यूज़िक इंडस्ट्री, अब इवन एज का यहाँ पे कोई जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, ये ठीक है। फर्दर इन टू द जो डिजिटल वर्ल्ड है ये भी ठीक है, और देर इज़ अ रिन्यूड इंटरेस्ट ये भी यहाँ पे ठीक है, कोई जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्रीमेंट का आ नहीं रहा, एम्पलीफायर्स एंड जो स्पीकर्स ये भी ठीक है, तो इसमें नो एरर है क्योंकि इसमें जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और आप इसको सवाल को करते हुए आप रोक के खुद से जवाब ढूंढ लिया करें, क्योंकि इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको आता है नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फॉर्मलाइज एंड कमिट देमसेल्व्स टू देयर न्यू गवर्नमेंट, द पिलग्रिम्स साइंड द मेफ्लावर पैक्ट, नो एरर। अब इसमें मैं स्ट्रेट अवे गलती पे आना चाहता हूँ, इसमें जो गलती है वो सी ऑप्शन में है कि जहाँ पे जो वर्ड देयर है ये देयर यानी वहाँ वाला से ये उनका में रिप्लेस होना चाहिए, यानी टी एच ई आई आर देयर वो वाला यूज़ होना चाहिए, ये वाला देयर यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एग्रीमेंट को फिर डिस्टर्ब कर रहा है। वहाँ पे देमसेल्व्स टू देयर न्यू गवर्नमेंट ये इस तरह आएगा, तो यहाँ पे जो देयर है ये जो उसको सेंटेंस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट समर अराउंड द एंड ऑफ जुलाई, माय ब्रदर माय आंट क्लैरिसा एंड मी जंप्ड इनटू द फोर्ड स्टेशन वैगन एंड हेडेड आउट ऑफ द सिटी, नो एरर। अब इसमें भी आई विल जंप टू द एरर जो कि ऑप्शन सी में है, एंड जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया गया ऑप्शन सी में मी, ये रिप्लेस होगा आई से, क्योंकि माई ब्रदर माई आंट क्लैरिसा एंड आई जम्प्ड, ये पहले भी बहुत सारे ये जो एरर है प्रोनाउन का ये टिपिकली तंग करता है और इसकी प्रैक्टिस बहुत करके एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये आता है, ये मी एंड आई का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और ये बहुत इजी है, इसको जो याद करना है इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा
इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ब्लड टाइप रेफर्स टू वन ऑफ द मैनी ग्रुप्स इन टू विच अ पर्सन ब्लड कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस नो एरर। अब इसको हम देखते हैं कि सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है, क्योंकि जो रेफर्स टू या इन टू विच पर्सन्स ब्लड या कैन बी कैटेगराइज्ड, ये जो चार ऑप्शन हैं इसमें कहीं भी ग्रामेटिकल एरर नज़र नहीं आ रही, ना ही है। अगर आपको लगता है कि यानी जो नो एरर वाले हैं और आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप डिस्कस करें, मैं आपको उसकी रीजनिंग बताऊंगा कि ये क्यों नो एरर है, या कोई एरर हमसे भी हो जाती है तो आप इसको लाजमी कमेंट में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज यू यूज देम रिमेंबर दैट दिस ग्लॉसरी इज इंटेंडेड टू बी अ गाइड एंड दैट नथिंग इन इट इज एब्सोल्यूट नो एरर। अब इसमें स्ट्रेट अवे गलती पे आना चाह रहा हूँ। ऑप्शन ए जो देम है ये गलत है, क्योंकि ये देम एग्रीमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये आगे जो हमारा नाउन यूज हुआ है ग्लॉसरी, ये सिंगुलर है, तो देम जो है रिप्लेस होना चाहिए इट से, एज यू यूज इट दैट इज, क्योंकि अब वो वहाँ पे उसको इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज दैट दिस ग्लॉसरी, तो ये इंडिकेशन बता रही है कि जो देम है वो इसके लिए यूज हुआ है, लेकिन वो सिंगुलर है तो हम जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल्दो द चांसेस ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड आर स्लिम इफ यू आर नॉट केयरफुल एयरपोर्ट थीव्स हु लुक लाइक ऑर्डिनरी ट्रेवलर्स कैन मेक ऑफ विद योर पर्स योर वैलेट योर फोन कार्ड एंड ऑल योर क्रेडिट कार्ड्स नो एरर। अब इसमें तो जो गलती है वो एक पहले भी आ चुकी है, जिसमें हमने देखा था कि उसने देयर लिखा था, तो देयर और दे आर वहाँ पे यही गलती थी, यानी दे आर आना चाहिए था और उन्होंने देयर लिखा था। यहाँ पे भी योर लिखा है, यहाँ पे योर की बजाय यू आर, यानी यू आर नॉट केयरफुल, यू आर नॉट केयरफुल ये सेंस नहीं है, ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, तो यू आर नॉट केयरफुल इसमें स्ट्रेट अवे बी ऑप्शन है और ये एक ईजी क्वेश्चन है। ऐसे होता है कि यानी बाजू का सेंटेंस बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें छोटी सी गलती होती है और आप उसको ईजिली सेकेंड्स में 10 सेकेंड्स में ईजिली पिक कर सकते हैं और आपको पता चल जाता है कि गलती यहाँ पे है। और डेफिनेटली इसमें एक ही एरर होती है, जब आपको एक एरर पता चल गई है तो अदर्स ऑप्शंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें इन जो क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा टाइम वो ले रहे होते हैं जो नो एरर वाले होते हैं, क्योंकि जब आप ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें एरर क्या है और आपको नहीं मिल रही होती, देन यू अगेन थिंक, आप दोबारा जाते हो, फिर आप जाके कहीं जाके नो एरर चूज़ करते हो। तो ये जो नो एरर वाला ट्रैप है ये बिल्कुल तंग करता है और ये जेन्युइन है, इसमें टाइम लगता है। मतलब स्टूडेंट्स, ये इतना कहना आसान है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को फौरन नो एरर पे मूव कर लेना चाहिए, लेकिन एग्जाम्स करते हुए ये बात इतना आसान नहीं होती, कहना आसान है। द डिस्टिंक्ट जियोलॉजी ऑफ केप कॉड बिगेन टू फॉर्म अबाउट 20,000 years ago when the Wisconsin glacier up to 2 miles thick pushed its way south from Canada, stopped and then slowly receded, no error। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें कितना कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। बिगेन टू फॉर्म साउथ
इट्स क्योंकि सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। एक ग्लेशियर की बात की गई है तो ठीक है, इट्स वे साउथ स्टॉप्ड एंड देन, इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए सिंपल नहीं नज़र आ रहा लेकिन है सिंपल और करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल्दो दिस वाज एन अनयूजुअली ड्राई समर द कॉर्न क्रॉप वाज नॉट सीरियसली डैमेज्ड, नो एरर। अब ये क्वेश्चन वैसे एमडी कैट में इस तरह के क्वेश्चन स्लिम टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ऑल्दो दिस वाज, यहाँ तक तो ठीक है, एन अनयूजुअली ड्राई, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, और वाज नॉट सीरियसली डैमेज्ड, अगेन नो एरर, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी नो एरर है। आप लोग बताएं, आप लोग अपना जो आंसर्स हैं वो आप रोक के खुद सोच लिया करें और देखा करें कि आप इसको मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम इस तरह यानी 15-16 डेली क्वेश्चंस आपको दें वीडियो के ज़रिए, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।